नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब खबरों को देते हैं विस्तार। नर्मदा जिला में निर्भया स्क्वाड ने लड़की की छेड़खानी करते हुए रोमियो को सबक सिखाया। मिली जानकारी के मुताबिक तिलकवाड़ा के एम्स पाठशाला में पढ़ रही लड़की की एक लड़का काफ़ी दिनों से छेड़खानी कर रहा था और उसका रास्ता रोककर उसे धमकियां दे रहा था, जिससे पाठशाला में पढ़ रही लड़की ने निर्भया स्क्वाड के द्वारा पाठशाला में रखी हुई शिकायती पेटी में अपनी शिकायत लिखित में दर्ज कराई। इसके बाद निर्भया स्क्वाड की वर्षा बहन, लता बहन और भावना बहन ने जानकारी के मुताबिक यह लड़का, जिसका नाम बाबा देव हरिलाल वसावा, गाँव हिजड़ा महुड़ी तहसील तिलकवाड़ा था, को पकड़कर तिलकवाड़ा पुलिस थाने लाए और कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक श्री हिमकर सिंह की सूचना के अनुसार और नायब पुलिस अधीक्षक श्री सीएन चौधरी के मार्गदर्शन के तहत निर्भया स्क्वाड ने पूरे ज़िले में इंचार्ज पीएसआई श्री के पाठक के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगातार बारिश के चलते ग्राम पंचायत बूढ़ी बागरोद में घरों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं और घरों में पानी भरने से खाने पीने का सामान खराब हो गया है। शासकीय मदद अभी तक वहां नहीं पहुंची है। तोंदा से मोनू पटेल की एक रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। और अभी दीजिए मुझे इजाज़त।